बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ते वेलकम करने हैं सब तो पहले दोनों अपने ही चैनल ते राइम फार्मिंग एंड बिजनेस टिप्स आइडियाज से। तो जिमें कि दोनों पता होना है, इस चैनल ते असी मुख्तलिफ वीडियोज़ लिया ने जिन्हें फार्मिंग दे रिलेटेड भी होंदिया ने ते बिजनेस आइडियाज़ भी होंदे ने। ते आज दी वीडियो भी कुछ यानी कि फार्मिंग दे रिलेटेड ही हैगी है। ते आज दी वीडियो च असी दसांगे, साकब राजू दोनों दसेगा कि जिहड़ा दुध हुंदा है उहनूं किवें डबल किया जा सकता, मतलब किवें वधाया जा सकता है। इन्हें बेसिकली लोग तो कई फार्मूले ला देने, कोई बिच खादा ला देंगे ने, कैमिकल ला देंगे ने, जिन्हें जग जुग बन जाती है तो दुध घना हो जाता है, या कोई बिच पानी ठोक देंगे ने। लेकिन असी एवें कोई काम नहीं करांगे, असी दोनों प्योर जेन्युइन फार्मूला दसांगे जिन्हें दोनों फायदा होगा। तो इन्हें मझ गां भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो जिहड़ा बंदा दुध पीवेगा उन्होंने भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो जी, वीडियो हम शिफ्ट करने साकब राजू वाले, वो अपन गाइड करते हैं ये फार्मूला की है तो किवें इनू देना है, बनाना किवें। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप हमारी भैंस जो नई नई सुई होती है ना, 10 दिन हो गए या 8 दिन हो गए, तो उसका दूध बढ़ाने के लिए हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या फार्मूला है, तो हम आपको बताते हैं जी। आपने ना ऐसा करना है कि 2 किलो खल ले लेनी है। ये आप सामने बना कर दिखाते हैं, 2 किलो खल लेनी है और सफ़ेद ज़ीरा आप पंसारी किसी दुकान से, किसी भी दुकान से मिल जाता है सफ़ेद ज़ीरा। इन्हें तो थोड़ा जो ना रेट भी दस दो कि ज़ीरा किन्ने को होना चाहिए। ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो 200 रुपये पाव है, तो आपने पाव ले लेना है, तो इसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। तो बाकी तो भ्रामन पता ही होने जिन्होंने मजे गाँव रखी होने, खाल खुल तो पाते ही होने रेगुलर, वो 2 किलो खाल ले लेने हैं। तो एक मुठ देखो ना, एक मुठ भर के जीरे की खाल दे पा लेना, मतलब एक मुठ जीरे की लैनी है वो खाल दे मिक्स कर देनी है। सही हो गया। अद्धा किलो तुम पाइए ना ज़्यादा, थोड़ा गुड़ ले लेना, ये एक टाइम का हिसाब सुना दे पैर। अच्छा जी, एक टाइम की हैगी खुराक, ये तुसी लगातार तुसी 3 से 4 दिन इना देना है। सही, इनू हम आप अच्छी तरह पका लवाने आग पे, तो जिसे सारा मिक्स हो जाए पक जाएगा। तो इन पानी पुनी का पानी तुसी उन्ना मुनासिब जिन्ना को लगे जिन्हें बच्चे सारा हल हो जाए, मतलब इन हम आप कोई पानी ला लिए, कुछ 3 कुडोंगे पा लिए पानी, 3 या 4, हाँ इन्ना बड़ा है, मतलब कि ना एक 1.5 लीटर वाली जी बोतल होती है वो पानी। सही हो गया। 3 से 4 दिन करना है इन नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला वाटा जड़ा है ना, दूध जड़ा है माल का, जिससे 2 किलो है वो 4 किलो हो जाएगा। सही है। माल जिन नाल मैल सटे दी, मैल सटने की वजह तो ना जड़ा है ना दूध मजम ता आ दिया। तो तुसी भी ये फार्मूला इस्तेमाल करदे जी? आप यो इस्तेमाल करते पे। सही हो। दूसरा ये भी अगर ये कद एक और फार्मूला है तुसी लैनी है कि गरी जी ठोकरा गरी तो होंगे ना ठोकरे, वो तुसी 1/2 किलो गरी ले लैनी है, उन तुसी बिल्ली काच करना है, वह जिन्हों कद्दू काच भी कहते हैं, बरीक बरीक कर बरीक बरीक कर कद्दू काच करके, तो वो तुसी तकरीबन 2 से 3 दिन जो है ना सुबह शाम तुसी 1/2 किलो गरी खवा देवो, तो इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल थोड़ा दुध जो मझां बड़ा देवन दिया। सही है। तकरीबन जी मज 2 किलो 3 किलो दें 5-6 किलो तक पहुँच जाए। माशाल्लाह जी, ये साढ़ा ये वाला जो फार्मूला अपनाओ तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो व्यूअर्स को कोई और पैगाम देना चाहते जे कि चैनल सबसक्राइब कर दें ते शेयर वीडियो? ये सा चैनल जरा सबसक्राइब करो ताकि साड़ी आने वाली वीडियो जो टाइम से पहुँच सकन, अच्छी अच्छी वीडियो देने बना के देने। चलो जी, फिर इस वीडियो च इन्ना ही, तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।